हम तो करते कांग्रेस का ही रहा है। अच्छा, तो जायदा जी के समर्थन में है? ना ना, हम ना दे जायदाल वोट। अगर कांग्रेस टिकट जायदाल मिले तो हम तो एक बाप ना दे खुड़क पे भी एक जायदा एक अनिता बिचारी भगभग के जान बचाई मरद हो तो छाती खोल और ये बेरबानी होता था भगदी भाई मैं लेकर थाना में से गाड़ी ने ले लेकिन अभी कोई नेता थोड़ी है, अब कोई मरद आना चाहिए। चाहे जलीस आ जा, चाहे जलीस को बाप आ जा। आप हम मुख्तार साहब को पसंद करते हैं। कांग्रेस टिकट नहीं देते तब आपका फैसला क्या रहेगा? हम फिर बीजेपी को वोट दे देंगे आखिर, इसको जायदा को वोट नहीं देंगे। वो क्यों? या ना कोई विकास कराया, दलाली कर चलवाए गांव में, सब दलाल छोड़ रखा गांव गांव में, 10,000 की बजाय 20,000 पुलिस ले दूंगा और हमारी जितने भी मोटरसाइकिल साहब का ये सब ने पुलिस पकड़ लिया, अब 10,000 दी और 20,000 दी। अगर बात यार कोई विकास ना करा हम यार वोट नहीं देंगे। पंचायत समिति में जावे तो भ्रष्टाचार, तहसील में जाओ तो भ्रष्टाचार, जा जान चले जा पर जाकर वोट नहीं देंगे। हम तो भाई मुख्तियार को वोट देंगे भाई, बाकी वो हमारी मर्जी भाई, हम वोट हम कहीं दे सके लेकिन जायदाद ना दे। कुत्ते पिल्ले कह रहे तुमसे मिलन लो आवे यार, जायदाद हमसे एक बार मिलन लो, हम शिकल दिखान लो ना यार। मुख्तियार होना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं, अजय कोहली के साथ। बताना चाहूंगा इस वक्त मेरी मौजूदगी कांबा विधानसभा के मालिकी गांव में है। मालिकी गांव के जनता जनार्दन जो है वो मेरे साथ है। नौजवान चेहरा है, नौजवानों से बात करेंगे कि अब की बार उनका मन किसकी ओर है, किस पार्टी किस नेता को वो चुनना चाहते हैं और यहाँ के जो समीकरण है वो जनता से लिए जाएंगे कि अब की बार किस आधार पर वोट डाला जाएगा और किस चेहरे के साथ कितना परसेंट वोट जाएगा। और अगर बात करें हाई कमान की, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, बीजेपी की बात कर लें, दोनों में से किसके चेहरे से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, दोनों बातें इनसे करेंगे। मेरे साथ एक भैया है, क्या नाम है जी? आसिफ। आसिफ, चाचा तभी तो ठीक है। किस पार्टी किस नेता को पसंद करते हैं? हम मुख्तियार साहब को पसंद करते हैं। अच्छा, पार्टी की बात करें? कांग्रेस। कांग्रेस, अगर कांग्रेस टिकट नहीं देते तब आपका फैसला क्या रहेगा? हम फिर बीजेपी को वोट दे देंगे आखिर। अच्छा, इसको जायदा को वोट नहीं देंगे। वो क्यों? या ना कोई विकास कराया और दलाली कर चलवाए गांव में, सब दलाल छोड़ रखा गांव गांव में, 10,000 की बजाय 20,000 पुलिस ले दूंगा और हमारी जितने भी मोटरसाइकिल साहब का ये सब ने पुलिस पकड़ लिया, अब 10,000 दी और 20,000 दी। हमने ही पकड़ी एक बार। अच्छा, शुरुआत में जब ये MLA बनी 8,000 देखा हो? कितने? 8,000। क्या गलती थी आपकी? कुछ ना है, पकड़ ली, कोई इंश्योरेंस दिया, हेलमेट था आपके पास, कागज आपके पास पूरे थे, और चालान किया होगा, रसीद मिली भाई। अब लोकल में भी कहा हेलमेट लगाना, चालान करेंगे लोकल में। सड़क पे जब भी आप निकले तो हेलमेट और यातायात नियमों का पालन करें, क्या पता घर से निकलने के बाद। मिला के बात यार कोई विकास ना करा हम यार वोट नहीं देंगे। पंचायत समिति में जावे तो भ्रष्टाचार, तहसील में जाओ तो भ्रष्टाचार, जा जान चले जा पर जाकर वोट नहीं देंगे। सीए मुख्तियार बन जाएगा, चोरी की मोटरसाइकिल दौड़ाओगे तब? नहीं, चोरी की थोड़ी है, ऐसे भी मुख्तियार गिरफ्तार करवा दी। अच्छा भाई, जब चोरी की हो तो पकड़ो, सावकारी थोड़ी सावकारी रोक लेगी, मतलब पैसा। यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। चलिए आप बताइए किस पार्टी किस नेता को पसंद करते हैं? हम तो भाई मुख्तियार को वोट देंगे भाई। अच्छा, मुख्तियार को ही वोट करेंगे। पार्टी अगर टिकट देती है तब और नहीं देगी तब क्या फैसला रहेगा? अरे हम फिर वो हमारी मर्जी, हम कहीं डाल सके वोट। चलिए, वैसे वोट अभी तक उम्मीदें हैं कि उम्मीद तो मुख्तियार देंगे वोट, टिकट के ऊपर। टिकट नहीं मिला तो? टिकट ना मिले तो हम कहीं वोट दे सके अपने। अच्छा, अभी पक्की ना है, पक्की ना है। मुख्तियार ने कह दिया कि मैं चुनाव तो लड़ूंगा, चाहे इंडिपेंडेंट लड़ू चाहे टिकट से लड़ू। फिर भाई बाकी वो हमारी मर्जी, हम वोट हम कहीं दे सके लेकिन जायदाद ना दे। अच्छा, जायदाद नहीं देंगे, बाकी आप किसी भी चेहरे को वोट कर सकते, कहीं भी कर सकते। बीजेपी पार्टी में भी आप वोट कर सकते हैं, कांग्रेस में किसी अरे भी बीजेपी अगर चेहरा बदला तो करेंगे। अरे बीजेपी में दे देंगे लेकिन जायदाद नहीं देंगे। अच्छा, चलिए चलिए आप बताइए भैया क्या नाम है? लादेन खान। लादेन खान, किस पार्टी किस नेता को पसंद करते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस, कांग्रेस में जायदाद जी को टिकट मिलता है तो कितना परसेंट वोट गांव से आएगा? 0%। वो क्यों? क्योंकि हम सीएम मुख्तियार अहमद को पसंद करते हैं। अच्छा, सीएम मुख्तियार अहमद को पसंद करते हैं जी। चलिए आप बताइए भैया कितना परसेंट वोट यहाँ से कांग्रेस पार्टी को मिला? लगातार लोगों से बातचीत कर रहे अपना कुत्ते पिल्ले कह रहे तुमसे मिलन लो आवे यार, जायदा हमसे एक बार मिलन लो, शिकल दिखान लो ना यार 5 साल में। अगर जायदा जी आ जाती है तो शायद आपकी नाराजगी दूर हो सकती है। यार नाराजगी अब कहा दूर करेगी हमारी, जब 5 साल मिला हुई चुनाव का वक्त है। हाँ देखिए, चुनाव आता है, नेता बड़े बड़े वादे दावे करते हैं लेकिन जो है वो कहीं ना कहीं जनता जो है उसके साथ वो बातें पूरी नहीं होती है तो गुस्सा जाहिर है जी। किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस नेता को पसंद करते हैं? कामा से बिल्कुल नए चेहरा आना चाहिए। अच्छा,
पार्टी कौन सी होनी चाहिए? पार्टी कांग्रेस देगा वोट, वोट तो अपने चेहरा होना चाहिए। अच्छा ना, हम कोई वोट ना दे रहेगा, ये काम बनारस का कोई काम ही ना करवाए। अच्छा रास्ते वास्ते तो बने, बनारस सरकार बनाए उसके नाम उस काम ना हुए। वैसे क्या काम नहीं हुआ? काम करो ही ना, जब आज तक सिकल ना देखे गांव में। पालगढ़ के लिए आईटीआई भी तो मिली है, अब तो ना दी कुछ, हमने कुछ देखना है। हां नहीं तो गड़े गड़े सुगर वोट जायदा खान को नहीं करेंगे, बाकी किसी को भी करेंगे, फिर किसको करेंगे? नए चेहरे में किसकी उम्मीद है? कोई भी हो, बहरहाल कांग्रेस वोट दे काम अपर वाले ना दे वोट। अच्छा अगर कांग्रेस का टिकट जायदा जी के पास रहा था तब क्या फायदा? वाले ना दे, कोई बीजेपी देगा फिर बीजेपी के साथ जाएगा। चलिए आप बताइए सर, बता जो कुछ आप बताइए, तभी तो ठीक है ना। किस पार्टी किस नेता को वोट? सब उम्मीद तो कांग्रेस के, लेकिन अब कैंडिडेट दिए के नाम। अच्छा, कौन कैंडिडेट आपको वैसे चाहिए जो आपके मन के बात? मुख्तार होना चाहिए। मुख्तार होना चाहिए। चलिए देखिए, माली की गांव है और माली के गांव की जो जनता जनार्दन है उनसे लगातार मेरी बातें हो रही हैं, सारी बातें मैं उनसे जान रहा हूँ। बाबा तबीयत आपकी ठीक है ना? हाँ मैं जनार्दन भाई, चार किटले को जावा। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय बेच कर देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? अब बनन कौन दे हमन ने, जायदा ही देख लंबो सम्माया वाइल दे दो, पूरा जिला खा के हुआ पेट भर जा। चलिए आप ये बताइए किस पार्टी को समर्थन करते हैं? हम तो करते कांग्रेस का ही रहा है। अच्छा तो जायदा जी के समर्थन में है? ना ना, हम ना दे जायदा वोट, अगर कांग्रेस टिकट जायदा मिले तो हम तो एक बार ना दे खुड़क पे भी। अच्छा जायदा तो अच्छा, किसी और को कैंडिडेट कोई और आ जाए कांग्रेस को तो भग के वोट देना। कौन लग रहा है आपको? मुझे तो लग नहीं रहा कि जायदा उतरे को, अभी तो बुत्तेर दिन कोई कोई उतरे को सुनो ना, इस भाई जायदा के लिख दे। अगर जायदा जी के लिए बैर बैन वोट ना दे, हमने दे दिए तीन पीरियड बैर बैन वोट दे दे, कोई दिन किनारे बैर बैन कोई नेता अच्छा ना। फिर कौन अच्छा लगा? दोनों चाहिए, चाहे चाहे जायदा को लोग आ जा भाई। अच्छा जली जली सा जा, हम वन वोट दे देंगे, जायदा ना दे। अच्छा क्योंकि जायदा बेरबानी है या कि अहमियत ना है? महिलाओं को देखिए, अभी तो पार्टी ने भी सम्मान दिया, बीजेपी पार्टी ने, वो महिलाओं को राजनीति में होना भी बहुत जरूरी है। महिला ने कौन माने यार, तो पता कहा हो ये दो रोकी एक बेरबान में जानू तो नहीं था पैतान, एक जायदा एक अनिता ही बेचारी ने भगभग का जान बजाई, मरद हो तो छाती खोल के महिलो बंद करिए लड़ाई है। और ये बैरबानी भग दी भाई, मैं लेकर थाना में से गाड़ी ने ले, लेकिन अभी कोई नेता थोड़ी है, नेता तो वहां जाए मर्दान के साथ सामने ही खड़ा हो, भाई ऐसे मत करो, ऐसा करो, ऐसा करना है, ये तो भगया सब साफ सब, मरो तो मरो सारा सब। अब भाई बैरबानी की बात है, बैरबानी नेता हमारी समझ में बैठे ना, पब्लिक में बैठ गई, अब पब्लिक की नेता ये उतर की जाए निंगास, अब कोई मरद आना चाहिए, चाहे जलीस आ जा, चाहे जलीस को बाप आ जा, आप कांग्रेस कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, मत कोई कांग्रेस को टिकट, हम बैरबानी वोट ना देंगे, अगर बैरबानी टिकट दे दो कांग्रेस। ये आप ही की राय है, किसी और की? पूरा गांव की राय, जी एक बच्चा पूछ ले, अगर बैरबानी वोट देने ना जा कोई कैंडिडेट आ जा कांग्रेस की, मरद आ जा कांग्रेस को, पूरा गांव पांच से वोट नहीं एक मुहर लगवा ले जा। अच्छा लगभग 500 वोट आप? हाँ चलिए देखिए, माली के गांव की जनता है, 500 वोटों में से लगभग मैंने कम से कम यहां से 20 से 25 लोगों से बातचीत कर ली है, जिसे सामने निकल कर आया है कि जो वोट है वो लगभग लगभग कांग्रेस के खाते में जाएगा, 90 से 95% का जो वोट है वो कहीं ना कहीं हाथ के साथ रहेगा। लेकिन वहीं अगर चेहरे में बदलाव हो जाता है तब ये रहेगा, अगर वहीं जायदा जी जो हैं मौजूदा की मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको वोट टिकट मिलता है तो उनको वोट हमारा यहाँ से नहीं जाएगा, उसके बाद वो लोग बीजेपी पार्टी को समर्थन करेंगे, वहां पर बीजेपी पार्टी के लिए ज्यादा वोट जा सकता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। लगातार लोगों से बातचीत मेरी चल रही है, लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता का मन टटोलने की जो कोशिशें हमारी वो जारी हैं, और इलाके में किस तरह का काम हुआ है इस 5 साल में कांग्रेस की जब सत्ता रही है, कितना जनता के पास जो स्कीमें हैं, जो योजनाएं जनहित के लिए चलाई गई थी कितनी पहुंची, सारी बातों को लेकर हम जनता से बातचीत करें। लगातार आप हमारे साथ देख रहे हैं, कैमरा पर्सन के साथ मैं आपका अपना जी को डीटीवी न्यूज से धन्यवाद।